होता यह है कि सत्ता में आने के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि भिमंडी में टोरेंट कंपनी आई और उसमें सत्ता पक्ष का बकायदा जो आज है उन्हीं का हाथ था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, और आज फिर जब कांग्रेस से संबंधित सरकार हुई तो फिर आगे टोरेंट। यहाँ पे जब से टोरेंट आई है हम लोग कई बार मीटिंग कर चुके हैं, करीब 7-8 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उसमें नतीजा कुछ निकला नहीं। नतीजा ये हुआ कि कुछ चीज़ें उन्होंने बकायदा हम लोगों ने जो सवाल किया था उसका जवाब दिया, लेकिन लिपापोती है। पहला ये है कि टोरेंट कंपनी का सहयोग लोगों का कम मिल रहा है, जिनका मिल भी रहा है वो कैपेसिटी उनके पास नहीं है, जवाब दे सक्षम नहीं है। टोटल ये MSEDCL के ऊपर डिपेंड है। ये कहते हैं कि ये सिर्फ बिजली बिल वसूलने के लिए आए, इनका जो मनमानी ढंग से बिजली बिल भेजा जा रहा है उसको वसूलने के लिए ही आते हैं। और बहुत पहले से रीडिंग नहीं दी गई, मतलब किसी किसी का है कि 2 साल तक रीडिंग नहीं दी गई और वो बेचारा महीने महीने एवरेज बिल भरता रहा, लेकिन इकट्ठा अब 1,92,000, 2 लाख, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, आया हुआ है। तीसरी चीज यह है कि टोरेंट कंपनी की इतनी गलतियां हैं कि उसको अगर इस छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया जा सकता, उसको बताने के लिए एक पूरा अखबार भर जाएगा। लेकिन उनके जीएम से, अब लास्ट मीटिंग उनसे डॉक्टर साहब से हुई थी, जीएम से हुई, जो अब उसके बाद कोई ऑफिसर इनका, जितने भी थे रिलेटेड ऑफिसर, सब बैठ चुके हैं मीटिंग में, लेकिन इनके पास संतोषजनक जवाब आज तक नहीं मिला। तीसरी चीज यह है कि अभी जल्दी ही में देखा होगा MIM के अध्यक्ष पठान को तड़ीपार किया गया, उसके संबंध में आम आदमी पार्टी का विचार है कि जिस प्रकार कार्रवाई की गई है कहीं न कहीं किसी के दबाव में की गई, जबकि पता चलता है कि 40 समूह ने पत्र दिया और शहर के लोगों को कोई समस्या नहीं है उससे। तड़ीपार कब होता है कि जब शहर से कुछ लोग परेशान हो जाए और कई लोगों की एप्लीकेशन पड़े उसके बाद तड़ीपार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसे बहुत से केस हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी को जो विरोध कर रहा है, चाहे वो एक तरह से इशारा है कि सबको दबाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुम्बरा में वर्षों से निर्माणाधीन हॉस्पिटल के बारे में पता चला है कि PPP होने वाला है, प्राइवेट पार्टनरशिप किया जा रहा है। इनको जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं इनको मजा आती है प्राइवेट करने में, मजा इसलिए आती है कि इनको कमाई होती है। और जनता को बहुत दिनों से हॉस्पिटल यहाँ पे मुम्बरा में नहीं है, उसका फायदा सिर्फ प्राइवेट कंपनी को पहुंचाने के लिए, जो ये नहीं लाए थे, बल्कि उनके पहले 11-12 साल पहले सत्ता वो हॉस्पिटल पास हुआ था, आज तक बन नहीं सका और बनने जा रहा है तो पता चल रहा है कि प्राइवेट होने जा रहा है। बस ये इसी का प्रेस वार्ता आज की रखी गई है, जिसका जवाब पूर्ण रूप से डॉक्टर साहब देंगे। सलाम वालेकुम। बहुत आज जितने भी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सबसे मेरा दिल बर्दाश्त हो गया, बहुत तकलीफ है, हर टॉपिक से ही तकलीफ है। जिस तरीके से टोरेंट को यहाँ पे लाया गया और लोगों के आए दिन, हम लोग रोजाना यहाँ पे 7 बजे से लेके 9 बजे तक इस ऑफिस खुलती है सिर्फ टोरेंट के परेशानियों को सुनने के लिए इस ऑफिस में, और मैं खुद आ रहा हूँ और लोगों के दर्द सुन करके मतलब दिल कभी रो देता है, इतना तकलीफ दे है। और इसके जिम्मेदार MSEDCL है, और उससे ज्यादा गोया एक आदमी को जैसे ला करके रखा गया है कि तुम बॉस बनो और तुम सबसे वसूल करके हमको दो, और उनका साथ जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं जिनकी हलक बंद हो गई है, पहले तो बड़ी चीख चीख करके बोल रहे थे टोरेंट के खिलाफ, लेकिन अब तो उनकी जो कहते हैं ना हिंदी में कंठ बंद हो गया, कंठ बंद हो गई है, आवाज मुंह से नहीं निकल रही है, आवाम की तकलीफ नहीं समझ में इनको आ रही है। किस किस, हम अगर गिनाना शुरू करें कि किस किस किस्म की इनकी गलतियां हैं तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। बस इन शॉर्ट ये है कि हर तकलीफ के पीछे एक चीखती हुई आवाज है लोगों की,
ठीक है, जिसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, और इनसे हम सॉल्यूशन जब ढूंढने के लिए जब जाते हैं करेक्शन करने के लिए, तो ठीक है वो तो एमएससी डीसीएल ही करेगा, उसमें 2 महीने 3 महीने लगेंगे जब तक वो बेचारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भरता जाए। यानी इतने किस्म के हैं जिसका 5,000-6,000 बिल होना चाहिए, उसका आपने गलत रीडिंग एक बहुत बड़ा है। हमने उनको साफ कहा उनकी मीटिंग में, ये लोचा है या धोखा है। लोचा उसे कहते हैं कि जो मतलब इंटेंशनली नहीं किया गया हो, जानबूझ करके नहीं किया गया, अनइंटेंशनली हुआ हो, उसको लोचा कहते हैं। और धोखा उसको कहते हैं जिसको इंटेंशनली किया गया हो, जानबूझ करके किया गया। तो जो भी लोचा है या धोखा है, लेकिन वो बिल्कुल मुझे साफ आज दिख रही है कि किस तरीके से मीटर निकाल के ले जाया जा रहा है, उसकी रीडिंग जो है ज्यादा बढ़ा के दी, किसी ने नहीं रिकॉर्ड किया, नहीं देखा, बहुत ज्यादा बढ़ा करके दी जा रही है, दबाया जा रहा है कि इतना आपका चल चुका था। ठीक है, बहुत जगह पे ऐसी हालत है कि वो मीटर जो है मरा हुआ है। मरा हुआ का मतलब है डिस्प्ले उसका गया हुआ है, और ऐसी हालत में क्या हो रहा है, जैसे कुंभ बिस्मिल्लाह वाली हालत हो जा रही है, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, है ना। तो वो टोरेंट वाले बस कुंभ बिस्मिल्लाह कहते हैं, वो रीडिंग अपने दिल की बात कह देता है और फिर सो जाता है, और कहते हैं टोरेंट वाले तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, हमने किस तरह से उसको ये किया फिर बढ़ गया। जब कंज्यूमर कहता है वो जिंदा है तो हमको भी दिखाओ, तो नहीं नहीं वो फिर टेक्निकल चीज़ है, वो खराब हो गया। और ये इसकी शाहिद हमारे पास कस्टमर हैं जो कह रहे हैं कि हमने जब सवाल किया तो यही हालत हो रही है कि वो अपने मन से मनमानी तरीके से जिसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, उनके पास नंबर नहीं है, अपने से वो नंबर बिठा रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आपने अगर लिया है तो आप हमको वो वीडियो दिखाइए जो आपका आदमी लेकर के गया है। आज महीने हो गए वीडियो दिखाने में, वो लायक नहीं है, वो है ही नहीं है, वो मनमानी तरीके से जितने लोगों के डिस्प्ले उड़े हुए हैं, ये नंबर है साहब आपका, इतना चला हुआ है, हमने उसको देखा, दोबारा दिखाओ, नहीं है हमारे पास। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने मकान को दुकान को भाड़े पे देते हैं, लेकिन आपने 12 महीने से 15 महीने से उनको एवरेज दिया 35 यूनिट 40 यूनिट 100 यूनिट, ठीक है, तो भाड़े वाले से तो वही लिया जो 100 यूनिट आ रहा था, और अब अचानक आप उनको एक लंबा सा, जब वो भाड़ा वाला से 11 महीने के बाद चला गया, अगर बदल गया तो अब जो है आपने उनको राखी। बेचारा एक शख्स आया, मुझे इतना तरस आया उसके ऊपर, उसके कोई नहीं है, वालदा गुजर गई, सब बच्चा है, अभी पनवेल से इंजीनियरिंग किया है, और रात आके इतना नर्वस था, उसके नाम से बहरहाल माने कर दिया था, और उसका अभी अक्टूबर सितंबर तक का बिजली बिल पूरा उसका क्लियर था, क्योंकि अंग्रेज भेज रहे थे, और अचानक उसको जो है कहा कि तुम्हारा मीटर ये चल रहा है और ये सब है, और तुम 1,95,000 रुपये भर डालो। अब वो बच्चा एक घर के खर्च से वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, कोई नहीं है उसके फैमिली में, एक नानी बेचारी बूढ़ी सी आई थी कल रात में मेरे साथ बैठी यहाँ पे काफ़ी देर, उन्होंने कहा कि मैं ही इसका पालन पोषण, इसका कोई है नहीं, खत्म हो गया, इंजीनियरिंग किया है, और वो उसी से इसका खर्च चलता था, और अब 1,92,000 रुपया जो है इसका आ गया है, ये कहाँ से देगा, आप कुछ कीजिए। हमने कहा ठीक है, हम इस पर बात करेंगे, क्या गुंजाइश निकल सकती है उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये एक दो लोगों का हम मिसाल अगर हम देना चाहें उनको, तो मैंने 10 मिसालें दी हैं, हमने कहा कि 10 मिसाल 10 एग्जांपल 10 टाइप के हम आपको बता रहे हैं कि इस किस्म की गलतियां हैं, और उनको कहा कि पहले आप अभी यहीं पर पुलिस कमिश्नर के सामने कि आप यहीं पर मुझसे ले लीजिए, अभी चालू कीजिए अपना टीवी और मैं एक एक करके आपको गिना देता हूँ, दिखा देता हूँ बिल्कुल इस पर कैसे आपकी गलतियां हैं। तो कहा कि नहीं बाद में, आज तक बाद के बाद उन्होंने मेरे साथ 2-3 ही ऑप्शन उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए, फोन पे कभी कभी कहते हैं मैंने उनका ये कराया वो कराया, आज तक कोई उनका ये नहीं है। हाँ करेंगे, ठीक पकड़े गए हैं तो वो तो ठीक करेंगे, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर एक एनजीओ की हैसियत हमारी नहीं है कि हम एक एक आदमी का ले करके बैठेंगे, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम आपको एग्जांपल दिखा दिया कि इस किस्म के सैकड़ों लोगों का मसला है। अब आपका जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, जाइए और जाकर के उसको सबको करेक्ट करने के लिए तेजी लाइए। और इन्होंने कहा कि साहब हमारा काम है मीटर लगाना, ठीक है पैसा वसूली करना, हमने कहा पैसा वसूली आप अपना कीजिए ना, लेकिन आप जो है टोरेंट के वक्त का आप पैसा वसूली कर रहे हैं, वही वहां पर देखिए एक ही वक्त में मालेगांव में भी कलकत्ता वाली कंपनी CACS को दिया गया है, ठीक है वहां पर वो MSCDCL का जो है वो बकाया वसूलने के लिए न कह रही है बल्कि अपना भी नहीं वसूल रही है। वो कह रही है कि जब हम सारा सिस्टम ठीक कर लेंगे, आपका जब सब चीज ठीक हो जाएगा आप ले जाइए, जिसको लगता है कि मेरा मीटर लगाना है मेरा लगाइए, आप अपना लगाना है लगाइए, चेक कर लेते हैं आप, जब हम बाद में लेंगे जब सारा सिस्टम इंप्लीमेंट
हो जाएगा। उसके बरक्स यहाँ पर जिस तरीके से लूट मार और परेशानी और कट करना, अब बहरहाल इतने प्रेशर के बाद कट करने में कम कमी आई है, वो खुद से भी सही करना शुरू किया है उन्होंने सिस्टम को, लेकिन ये कितना वक्त लगेगा। इतने दिनों में उन्होंने मुझे कहा कि 1600 ठीक किया, टोटल कंज्यूमर 2,80,000 है, तकरीबन मोर देन 50% में उनका है ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आम आवाम को समझ में नहीं आएगा कि कैसी कैसी गलतियां हैं। मैं तो उनके मैनेजर को कहा कि आप ही बता दो मुझे कि क्या गलतियां हैं, बताओ तुम मुझे, कुछ उसको समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि अब तुम खोलो दोबारा, हम तुमको समझाते हैं क्या गलतियां हैं, कैसे तुमने पैसा मारा है। दो महीने में एक आदमी का कहीं तुमको कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा, तभी तुमने 700 रुपये मार दिया एक आदमी से, लेकिन क्या गलतियां हैं वो टेक्निकली मैंने उनको समझाया, ये है। तो फिर समझ अच्छा ये हमने कहा है नहीं, ये इंटेंशनली किया गया, लोचा नहीं हो रहा है, ये धोखा हो रहा है, बहुत होशियारी के साथ किया जा रहा है, जिससे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं उनके इसमें। तीसरी चीज हमने ये भी कहा कि हम आज के डेट में, हम तो कहते हैं कि 100 रुपया 200 रुपया, अगर 280,000 कंज्यूमर है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है उसके लिए कोई रिमोट ऐसा बनवा लेना जिससे हम जब चाहे फास्ट कर दें, कोई बड़ी चीज आज के डेट में नहीं है। और मैंने उनको मिसाल दिया कि देखिए, जब मैं PhD कर रहा था उस वक्त में, मैं IIT पोवाई का नाम सुना होगा, मैं वहां पर था काफी दिन तक, गवर्नमेंट ने मुझे वहां डाला था, तो मैंने कहा कि उस वक्त में हम INSAT-2B जो सैटेलाइट है ऊपर में, उसके हम इमेज को प्लानिंग पर्पस के लिए यूज किया करते थे। तो हमने उनको समझाया कि उसको हम लोग यहां से हैंडल करके उसके प्रिंट और बहुत सारे INSAT-2B को लाखों किलोमीटर ऊपर से हम कंट्रोल कर सकते हैं एक चीज से। तो ये सब आपका क्या है, ये सब जो चिप्स लगा सकते हैं आपका, आजकल हर चीज में चिप्स लगा हुआ है, कब हम क्या कर सकते हैं, हमको भरोसा आपके ऊपर नहीं है, इसलिए आप लगाने दीजिए, जिसको जो मर्जी होगा ISI का उठा के लाएगा। बहरहाल वो उस पर वो तैयार हुए हैं बामुश्किल, लेकिन फिर भी अभी भी हमको सुनने में आ रहा है बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, उनका अपना जो चेंज करने का सिलसिला है वो चालू है। बहरहाल अब हमें आवाम से क्या कहना है, आवाम से क्या कहना है, ये तो बात हो गई टोरेंट की, कहते रहेंगे शायद, मुझे लगता है कि मैं दिन भर बोलता रह जाऊं उसके ऊपर, एक एक केस मेरे सामने ऐसे जहन में अक्स जहन नशी हो गए हैं कि शायद मुझे लगता है 3-4 घंटा एक एक केसेस के ऊपर हम बोलते रह जाएंगे। लेकिन हम आवाम से क्या दरखास्त करते हैं, वो आवाम से ये दरखास्त करते हैं कि लोगों की परेशानियां बहुत है, जिन लोगों के बिल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, मानते हैं कि हमारा बिल्कुल सही है, और उनको अपनी जरूरियात के बाद, जरूरियात पूरा करने यानी खाना पीना एजुकेशन और हेल्थ के बाद अगर पैसे हैं तो जरूर भरे, बच्चे को ड्रॉप करा के नहीं, बच्चों की एजुकेशन खराब करके नहीं, हेल्थ के मामले में डिले करने से कोई फायदा नहीं है, पहले वो आप कर लीजिए, क्योंकि तो वो प्रायोरिटी होगी आपकी, ठीक है, पहला। और जिनके पास सही तो है लेकिन देने के लिए नहीं है, तो आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे दें, और उनसे भी बात हुई है कि इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जिन लोगों का वो गलत है वो बिल्कुल भी ना भरे जब तक कि वो सही ना कर दिए जाए। और वो कह रहे हैं पहले भर दो, हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। मालूम हुआ एक आदमी का 5,000 रुपये आया करता था, आज आपने 70,000 रुपये, हम 70,000 रुपये हम लाएंगे कहाँ से, हमारा इशू ही, हम कहाँ से लाके भर दें और बाद में आप एडजस्ट, हमारे पास कोई कानून का खजाना मौजूद नहीं है। आप वो 70 का पहले 4-5 हज़ार कर दीजिए हमारा सही कर करके, फिर हम भरने के बारे में सोचेंगे कि एक इंस्टॉलमेंट में होगा कि दो इंस्टॉलमेंट में होगा कि 3 इंस्टॉलमेंट में होगा, वो तब होगा, बात तब होगी जब आप ठीक कर देंगे, तब की बात होगी। इसमें लोगों से दरखास्त ये है कि जो हमारे गरीब आवाम के लिए जब भी कोई ऐसी रैली और मोर्चा हो, तो जिन लोगों के सही भी आते हैं वैसे वक्त में, आज जो गलत जिन लोगों का आया है उनका साथ देने के लिए वो भी अपने मकानों से बाहर निकलें, ताकि आज उनकी बारी आई है, कल आपकी भी बारी आएगी, कभी आपका भी गलत आएगा। इस चीज को खत्म करने के लिए आपका निकलना, रोड पे आना और अपना गुस्सा दर्ज कराना जरूरी है, इसको जरूरी समझिए आज के डेट में। बल्कि ये समझिए कि हमारे ऊपर एकदम वाजिब हो गया है कि लोगों के हिमायत में जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है हम आए। डॉक्टर फैजी साहब, आप टोरंट पर इतना स्टडी कर चुके हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, और पब्लिक भी जो है मुमरा कौसा की आवाम वो भी टोरंट के विरोध में बात करती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद अभी तक टोरंट विरोधी कोई एक बड़ी या ठोस तहरीक शुरू नहीं हुई, आवाम सड़कों पर उतरने राजी नहीं है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, आवाम जो हम मिल रहे हैं वो सड़क पे उतरने के लिए राजी है,
क्योंकि मुझसे जब भी मैं निकलता हूँ गली कूचों में, अरे भाई कुछ निकालो, रैली निकालो, मोर्चा करो, तुम लोग हम लोग आते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सर्वे है, सैंपल सर्वे है। हो सकता है कि कुछ राजी हो, कुछ राजी नहीं हो, जिनके सही आ रहे हों वो सोचते हो ठीक ही आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ी एक तादाद है जो ये सोचती है कि हमें गलत आ रहा है, इसके लिए मोर्चा होना जरूरी है। और आम आदमी ने इससे पहले भी एप्लीकेशन दिया था जो जानबूझ करके एडमिनिस्ट्रेशन और इन लोगों के जरिए उसको कैंसिल कराया जा रहा है। दोबारा हमने सीधा पुलिस कमिश्नर के यहाँ अभी चार रोज पहले ही हमने एप्लीकेशन दोबारा दिया है कि हमें 21 तारीख से लेकर के 30 जनवरी तक के बीच में किसी दिन का जिसमें आपको आसानी हो आप हमको वो डेट दे दीजिए, हमारा अब रैली करना और मोर्चा निकालना जरूरी हो गया है। इनको बताना कि हमारे अंदर गम गुस्सा है, हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे टॉरेंट की हमारा अगला लाइन ऑफ एक्शन यही होगा। और हम इनका साथ नहीं बल्कि हम इनको चाहते हैं कि जब आप वसूली ही के लिए हैं तो आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। इनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि जिस सिस्टम से ये करेक्ट कर सके, ना राइट है ना सिस्टम है। इनके सारे सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे बखूबी समझ चुके हैं, इसलिए ये बात हम कह रहे हैं। टॉरेंट पे कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा तो एक ही सवाल है कि इतनी कोशिशें और इतनी आवाम की चीख पुकार के बाद क्या आपको लगता है टॉरेंट यहाँ से जाएगा? देखिए टॉरेंट के जहाँ तक जाने का सवाल है, ये एक जाना आसान नहीं है, एक तरीके से बहुत आसान भी है, आसान नहीं भी है और आसान भी है, बहुत आसान भी है। जब इनके गलतियों को हम उजागर कर करके कोर्ट में जिस दिन पहुंच जाएंगे कि ये मैटर है इस किस्म के और ये धांधली कर रहे हैं उसमें, तो कोर्ट इनको ऑर्डर करेगी गवर्नमेंट को कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको फौरन कैंसिल, ये टेक्निकल बातें हैं जो हम बोल रहे हैं, ये कानूनी तौर पे तब जब हम इनके फॉल्ट्स को बताएंगे, और हम वही कर रहे हैं कि हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएंगे और जो मेन कोर्ट हमारा है यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस जहाँ पे होना है कंज्यूमर के अलावा, वहां पर की हम तैयारी कर रहे हैं कि किन किन केसेस को हम रखेंगे और उन केसेस के बुनियाद पे हम कोर्ट को कहेंगे तो कोर्ट उनको जारी करेगी कि भाई आप जो है इसको ठीक करा दीजिए या आप इनको इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कीजिए। सर आपने बताया कि हमारा अगला एकदम टोरेंट के खिलाफ अवामी तहरीक छेड़ेंगे, आपने ये भी बताया कि टोरेंट की खामियां हमने उजागर की हैं, 280 में से 1600 मामलात का मसला हल हुआ है, 2,80,000 में से। अब ये बताइए कि आप इतनी बड़ी खामियां जानने के बाद में भी आप अदालत में जाने से क्यों कतरा रहे, घबरा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी दिन हो गए टोरेंट का आए हुए, साल होने जा रहा है, आप किस लिए चुप बैठे हुए हैं? क्योंकि आपने कम से कम अभी तक के 10-12 जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस टोरेंट के खिलाफ किए, अदालत से क्यों नहीं रुजू हुए? आप अभी भी कह रहे हैं कि अवामी तहरीक छेड़ेंगे। पहले अवामी तहरीक छेड़ करके हम पक्के सबूत जो है, देखिए हर आदमी, मैं तो वकील नहीं हूँ, इस पे वकील के साथ आप जानते हैं कि वकील के साथ बात करना और किस तरीके से केस को पुट करना है ताकि हमारे मतलब नुकसान नहीं हो, और जाहिर सी बात है कि हमारे वसाइल और ज़राए पैसे के भी बड़े महदूद हैं, लेकिन हमारे पास आम आदमी के पास अपने वकील हैं, हम उस चीज़ को जब ले जाएंगे तो बिल्कुल उस चीज़ को रहेंगे, लेकिन उन चीज़ों के पहले हम पूरी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर MSCDCL भी उसमें उतनी जिम्मेदार है। जैसे मैं MSCDCL के बारे में बता दें कि MSCDCL एक दिन में आपका घर है, ठीक है, दूसरे से कई लाख रुपए लिया होगा उसने, और आपका जो जिस नाम से वो ये है बिल है उसको दूसरे के नाम से एक रात में कर देती है और आज तक है, और वो आदमी FIR लिखाने जाता है और उसका FIR नहीं लिया जाता है, ये हालत है आज की डेट में। यानी आपका घर कल होकर के आपके नाम से वो बिजली बिल नहीं, उसके पक्का सबूत मेरे पास आज भी दोनों उसका है, मौजूद है, और मैंने उन लोगों को भी दिखाया कि देखिए ये है मौजूद। MSCDCL के एक दो कहानी नहीं है, वो भी बड़ी लंबी, उनकी तो कहानी और भी लंबी हो जाएगी। बहरहाल ये फ्रेंचाइजी है, कितने अख्तियार इनके हैं, कितना इनके ऊपर करना है और कितना MSCDCL जिम्मेदार है, इन दोनों को समझते हुए बैलेंस, क्योंकि बहुत जल्दबाजी का मसला नहीं है कोर्ट, कोर्ट में बहुत सोच समझ के पूरा जो है यानी कि फाइल किया जाता है ताकि हमारे जीतने के चांसेस 99.9% हो जाए। तो वो सबूत इकट्ठा करना और उनके बुनियाद के ऊपर, वो सबूत चाहे 10 हो 5 हो, लेकिन आपने सबूत तो पेश कर दिया, जब कोर्ट सामने पेश करेंगे तो कोर्ट उसके ऊपर फैसला, पूरे का वो सर्वे नहीं करेगी, कोर्ट उसके ऊपर फैसला सुनाएगी। दूसरी चीज़ आपने कहा कि अवामी तहरीक छेड़ेंगे,
आपके ईमा पर लोगों ने तहरीक का आगाज किया और अपने यहाँ से टोरेंट वालों को खदेड़ा, उसके बावजूद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुए। आपके हमरा और कितनी तंजीमें उन लोगों को बचाने छुड़ाने कानूनी चार, क्योंकि पुलिस अक्सर ताबेदार दिखाई देती है टोरेंट की सरकार की, तो फिर आवाम की हिफाजत के लिए, उनको बचाने के लिए, जुल्म से बचाने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, जैसे ही मुझे पता चला कि उनके ऊपर एफआईआर के लिए गए थे, लेकिन एफआईआर नहीं लिया था, एनसी हुआ था, ठीक है, मैंने उनको भी बोला, इनको सीधा टोरेंट वालों को बोला कि आपकी जो है ना, फिर वो जो तरीका है काम करने का भिवंडी वाला, वो आप शुरू कर दिया है हरकत आपने। मैंने बहुत अच्छे से सुनाया उनके आदमी को कि आपने वो जो शुरू किया है ना, ये हम अब हम और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे आपके खिलाफ। जो भी हम बातचीत का दौर है ना हमारा आपका, वो अब खत्म करेंगे। सर, एनसी जुल्म हो गया है तो एनसी भी नहीं बर्दाश्त है, और उसके अलावा 148-149 का नोटिस भी दिया गया है उनको, तो आपने उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई? लेटर क्यों नहीं? एनसी ही है, पुलिस को भी ये समझाना चाहिए ना कि जुल्म हो रहा है। पुलिस के बारे में ये है कि पुलिस हमें, पुलिस यहाँ की जो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, वो ये है कि पूरी तरह यहाँ मुमरा की चरमराई हुई, ये कायदे कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं। नेताजी का क्या आएगा फोन, उसके हिसाब से चलेंगे। तो नेताजी के जब हिसाब से चलेगा, तो आप ये लोग इस लायक ही नहीं है कि इनको हम कहें कि डेमोक्रेसी इनसे मजबूत हो रही है। डेमोक्रेसी इन लोगों की वजह से बहुत ही कमजोर हो गई है। एक मजलूम को उनकी शिकायत नहीं दर्ज की जाती है, बल्कि एक जालिम आता है मजलूम के खिलाफ दर्ज करने के लिए, तो उधर से फोन आता है और उनका दर्ज होता है। मैं अपने भी केस बता सकता हूं कि आज मैं चाहूं तो 2-3 केसेस कई बड़े नेता के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है सच्चाई कि हम जाने के बाद भी ये लोग तो टाल मटोल करेंगे अपना एनर्जी, और उसमें हमें वक्त अपना लगाना नहीं है, हमारा कहीं कंस्ट्रक्टिव वर्क में हम लगा लेते हैं। लेकिन जब लोगों के ऊपर ये सब जुल्म होगा, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस्लाम का भी तकाजा है कि हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई बात नहीं है, तुम जो कुछ करना है कर गुजरो, लेकिन ये जो इल्जाम है मेरा कि पुलिस हमेशा जो है वो अपने नेता जो वहाँ के एमएलए हैं उनकी बात सुन रही है और उन्हीं के इशारे पे चल रही है, ये बिल्कुल तय है। वो लाख बात बनाए कि हम बहुत ये कर सकते हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जुल्म का शिकार है यहाँ पे। फैजी साहब, सेकंड मुद्दा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का लॉ एंड ऑर्डर है मुमरा कौसा का, तो क्या आपको मतलब लॉ एंड ऑर्डर में क्या खराबियां दिख रही है, किस वजह से ये मुद्दा रखा गया है लॉ एंड ऑर्डर का, खास करके क्या बात है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ये है कि दरी पार बड़े मतलब अंधा कानून जिसको कहते हैं ना, अंधा कानून, गूंगा कानून, बहरा कानून हो गया है। आप बात करते हैं उसको तरी पार करने के लिए उस शहर के लोगों को, जिसके बड़ी बड़ी तंजीमों ने उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया है। आपको एक वक्त तो सोचना चाहिए था, जिसने कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको बड़ी बड़ी तंजीमों ने दे दिया हो, कई एनजीओज ने जिसको दे दिया हो, आपको क्या हक बनता है? जितनी आपके उसके ऊपर केस करने वाले नहीं होंगे और उनके खिलाफ बोलने वाले नहीं होंगे, उनके फेवर में बड़ी बड़ी एनजीओज और दूसरे लोग आ गए हैं। इसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सैफ पठान की खासतौर से, ठीक है, कि उस बंदे को जितना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोगों ने दे दिया शहर के, हम कहते हैं दो ही तंजीम दे दिए होती, इस्लामी जमात दे दिए होती और तंजीम जमीतुल उलमा दी होती, यही दोनों काफी थे, लेकिन इसके बावजूद कई एनजीओज ने दिए हैं, तो क्या पुलिस का यहाँ पर चेहरा, असली चेहरा नहीं आता है? तो खुल करके कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या की कानून, आप कानून कौन सा कानून, हम लोगों ने बहुत देखा, बहुत फिल्में देखी हैं और सारी कानून देखे हैं कैसे चल रहे हैं। वो एक मतलब मजलूम को आप, यानी कि ये जितने केसेस उनके ऊपर हैं, उनसे केसेस आपके कई बड़े बड़े नेता पर जिनके फोन आते हैं ना, उनके भी उनसे कई गुना ज्यादा है। उनके ऊपर अगर 5 केसेस है तो आप बना देते हैं उनके ऊपर 30 केसेस है, आप उनको कभी तरी पार नहीं किया, जिससे ज्यादा परेशानियां हैं उनके कई का तो मुद्दा है आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन क्या ये इकलौता एक ही मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का शहर के अंदर? लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात है, जो स्थिति है, तो इसके अलावा और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड दूसरे कौन